नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। हंदवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकी हमला, 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा के लांगेत में आज तड़के आतंकियों ने 30 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया है। आतंकवादियों ने सुबह करीब 5 बजे सैन्य शिविर पर गोलीबारी शुरू की, जिसके जवाब में सतर्क भारतीय जवानों ने भी कार्रवाई की। अंधेरे का लाभ उठाकर आतंकवादी भाग निकलने में कामयाब रहे। सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक तलाशी अभियान शुरू किया है। इस बीच सेना ने आज जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की 3 कोशिशें नाकाम कर दी। घुसपैठ की ये कोशिशें पाकिस्तानी चौकियों की मदद से की गई थी। भारतीय उपग्रह जीसैट 18 का सफल प्रक्षेपण। भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीसैट 18 का फ्रेंच गुयाना में कोउरू के अंतरिक्ष केंद्र से एरियन स्पेस रॉकेट के जरिए आज सफल प्रक्षेपण किया गया। VA-231 नामक इस मिशन में जीसैट 18 के साथ ऑस्ट्रेलियाई उपग्रह स्काई मस्टर 2 को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण में तकरीबन 32 मिनट बाद जीसैट 18 को उसकी लक्षित भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। जीसैट 18 की अनुमानित परिचालन आयु 15 साल है। ये सी बैंड, विस्तृत सी बैंड तथा कू बैंड पर सेवाएं देगा। बौखलाया पाकिस्तान, बोला अमेरिका घटती शक्ति। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दूतों ने कहा कि अमेरिका अब वैश्विक शक्ति नहीं है, और यदि कश्मीर एवं भारत के संबंध में देश के विचारों को तवज्जो नहीं दी जाती है तो वो चीन और रूस का रुख करेगा। कश्मीर मुद्दे पर शरीफ के विशेष दूत मुशाहिद हुसैन सैयद को अमेरिका के शीर्ष थिंक टैंकों में शामिल अटलांटिक काउंसिल में चर्चा के समापन के बाद बुधवार को ये कहते सुना गया कि अमेरिका अब वैश्विक शक्ति नहीं है, वो घटती हुई शक्ति है, उसके बारे में भूल जाओ।